हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के दिल्ली आवास पर बैठक चल रही है। राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर ये बैठक बताई जा रही है। राव अपनी बेटी आरती राव के लिए लगातार टिकट मांग रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफे की पेशकश भी की है। ये खबर इस वक्त मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। याद रखिए कि बीजेपी ने बहुत साफ कर दिया था कि वो किसी भी सांसद, विधायक या बड़े नेता जो हैं उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे, और राव इंद्रजीत अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी आरती राव को टिकट मिले, और बहुत लंबे टाइम से वो तैयारी भी कर रहे हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। जितेंद्र, क्या चल रहा है, क्या हलचल है? अगर बात की जाए तो राव समर्थक अब राव इंद्रजीत के दिल्ली आवास पर पहुंचे हैं, और जिस तरीके से लगातार राव इंद्रजीत सिंह अपने आप में दक्षिण हरियाणा की जो सीटें हैं उन पर प्रभावी रहते हैं और कैंडिडेट के जीतने और हारने को लेकर के जो समीकरण है वो बदलते नजर आते हैं राव इंद्रजीत के इशारों पर। अब आरती राव को टिकट दिलाने को लेकर के लंबे समय से अगर बात की जाए तो जहां जनता के बीच में कार्यक्रम किए जा रहे थे, साल 2014 के चुनाव की भी अगर हम बात करें, राव इंद्रजीत ने जब लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा था उस वक्त भी ये प्रयास थे कि आरती राव को चुनाव लड़वाने को लेकर के राव इंद्रजीत आगे आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त क्योंकि नई नई पार्टी ज्वाइन की थी और ये तमाम चीजें सिरे नहीं चढ़ पाई थी। अब मौजूदा स्थिति में परिवारवाद को लेकर के, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2019 का, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के काफी सख्त है। आलाकमान की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि अपनों को टिकट दिलाने के लिए सांसद प्रयास न करें, और इस कड़ी में अगर हम बात करें तो प्रेमलता सिंह का नाम जिस तरीके से मौजूदा विधायक होने के कारण पैनल में जब भेजा गया है उसके बाद से कहीं ना कहीं एक आपसी लॉबिंग जो है इसको लेकर के देखने के लिए मिल रही है, और इस बात को तमाम दूसरे नेताओं के साथ चर्चा में लाते हुए नजर आ रहे हैं ये दोनों ही सांसद, चाहे राव इंद्रजीत की बात करें या कृष्ण पाल गुर्जर की, कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में एक चर्चा का विषय बनी हुई है कि परिवारवाद, चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद राज्यसभा सांसद है, उनके जो बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह वो लोकसभा सांसद है, और प्रेमलता सिंह को अगर इस तरीके से टिकट दिलाने को लेकर के प्रयास किए जाएंगे तो सीधे तौर पर वे मानते हैं कि परिवारवाद वहां भी है। ये तमाम चीजें लॉबिंग बनती नजर आ रही है। फिलहाल राव इंद्रजीत के आवास पर जो राव समर्थक है उनकी तरफ से एक बैठक की जा रही है। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, विकल्प क्या क्या है? देखिए, जहां तक विकल्प की बात की जाए, एक कमजोर प्रयास किया जाएगा कि अगर इस फॉर्मूले को वहां किसी न किसी बात को ध्यान में रखते हुए बाईपास किया जा रहा है तो राव इंद्रजीत भी ये चाहेंगे कि उनको लेकर के भी कोई फॉर्मूला इस तरीके का निकाला जाए कि जो वे चाहते हैं वो बात पूरे तरीके से सिरे चढ़े, या फिर दूसरी जगह भी, यानी कि अगर किसी प्रकार का फायदा उन्हें अपने स्तर पर नहीं देखने के लिए मिलता तो दूसरी तरफ भी इसका फायदा ना उठाया जाए, ये प्रयास जरूर रहेगा। और इसी बात को लेकर के लॉबिंग चल रही है, समर्थकों के साथ चर्चा की जा रही है, क्योंकि राव समर्थकों की भी इच्छा है कि आरती राव जो है अगर चुनाव में आती है तो वो पूरे तरीके से साथ रहेंगे, और इसको लेकर के ही ये मीटिंग चल रही है कि किस प्रकार से कदम उठाने हैं या फिर उनके जो समर्थक हैं वो क्या चाहते हैं उनकी राय शुमारी के लिए। ये तमाम समर्थक यहाँ पहुंचे थे। फिलहाल अपडेट के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि ये बैठक खत्म हो चुकी है और राव इंद्रजीत अपने आवास से बाहर निकल चुके हैं। जी, ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन बता दें कि ये कश्मकश की स्थिति इस वक्त चल रही है। राव अपनी बेटी आरती के लिए टिकट मांग रहे हैं और लगातार मांग रहे हैं। आप देखिए कि आज नहीं, कई सालों की तैयारी है ये, और इन सब के बीच बीजेपी ने जब ये अनाउंस कर दिया कि किसी सांसद को अपने परिवार के लिए टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, नहीं दी जाएगी, उसके बाद से ये पेंच पूरा फंसा हुआ।